नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री व बांदा जिला प्रभारी लाखन सिंह राजपूत ने किसानों से कहा कि धरती माँ की गरिमा बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें, देसी केचुआ खाद को बढ़ावा दें, गौ आधारित खेती को अपनाएं। राज्य मंत्री शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण यहाँ उपस्थित लोगों ने सुना और देखा। जिले के प्रभारी और प्रदेश के राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंडल आयुक्त गौरव दयाल, डीएम आनंद कुमार सिंह और विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर यूएस गौतम ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री कृष्ण के चित्र पर माल्या अर्पण से कार्यक्रम की शुरुआत की। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि किसान देश के निर्माता और अन्नदाता हैं। उनकी समस्याओं पर संबंधित अधिकारी गंभीरता से ध्यान दें और निस्तारण करें। डीएम आनंद कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। कुलपति डॉक्टर यूएस गौतम ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की मंशा पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय में मॉडल विकसित किया जाया है, इसे खेतों में लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। राज्य मंत्री सहित अफसरों ने इनका अवलोकन किया। विश्वविद्यालय अधीक्षता डॉक्टर वी के सिंह गीता जयंती के बारे में चर्चा की। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानवेंद्र सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बांदा में पशु विज्ञान विषय के विशेषज्ञ। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर विद्यालय के समय प्रांगण में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बांदा के जो स्टॉल है उस पर खड़े हुए हैं और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अलग अलग नस्लों की जो गाय और भैंसे हैं उनके हमें एक मॉडल के रूप में हमने किसानों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इनको बना के रखा गया है, ताकि क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो हमेशा अपने पशु को जब हम पूछते हैं किस नस्ल का है तो उसको देसी बोलते हैं, तो ताकि हमने बताया कि वो कुछ पहचान सकें किस तरीके से कि भाई अगर साहीवाल है तो कैसी दिखाई देती है, मुर्रा है तो कैसी दिखाई देती है। साथ साथ में उनको जागरूक करते हैं कि भाई आप कौन सी नस्ल को पालें और कौन सी नस्ल के पशुओं से कौन सी नस्ल के पशुओं को अपने कृत्रिम गर्भाधान के रूप में काम मिले, ताकि उनको अधिक उत्पादन मिल सके, साथ ही साथ उनकी आमदनी भी।